तो कार्नोट साइकिल में हमने क्या किया, सोर्स जिसका टेम्परेचर T1, सिंक जिसका टेम्परेचर T2, Q1 हीट लिया इंजन ने, Q2 हीट फेंकी, तो वर्क डन कितना किया, Q1 माइनस Q2। तो पहला फॉर्मूला एफिशिएंसी का जो यूज होगा बहुत ज्यादा, आउटपुट वर्क डन बाय इनपुट हीट, इसको नोट इंपॉर्टेंट डालें। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय Q1। एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस Q2 बाय Q1, और तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाय T1। ये तीन फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर में एरोज उल्टे कर दिए, इसमें क्या यूज होगा, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, पहला फॉर्मूला Q2 बाय W, दूसरा फॉर्मूला Q2 बाय Q1 माइनस Q2, और तीसरा T2 बाय T1 माइनस T2। ठीक, बस यही किया हमने। इसके बेस पे पहला न्यूमेरिकल देखो जरा। तो क्वेश्चन है, सोर्स टेम्परेचर ऑफ कार्नोट साइकिल इज गिवन। सोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 की T2, T1 T1 आ गया बड़ा टेम्परेचर सोर्स, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इट टेक्स 500 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स, सोर्स से कितनी हीट ली जाती है, Q1, तो क्या गिवन है, Q1। एंड रिजेक्ट्स 400 कैलोरी टू सिंक, कितनी हीट फेंकी जाती है, Q2, तो ये क्या गिवन है, Q2। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो क्या निकालना है, T2। सिर्फ इन टाइप के प्रॉब्लम में यही पहचानना है, कौन Q1 कौन Q2, कौन T1 कौन T2। तो क्लियर है यहां तक। एफिशिएंसी के इसमें T1 हमें गिवन है, Q1 हमें गिवन है, Q2 हमें गिवन है। एफिशिएंसी के दोनों फॉर्मूलाज हमें आते हैं, इक्वेट करके रेशियो आ गई, हमें क्या निकालना है, Q2 Q1 गिवन है, T2 निकालना है, T1 गिवन है, आंसर सही है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखें। कार्नोट इंजन हैज सेम एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सेम है व्हेन ऑपरेटेड बिटवीन ए पार्ट 100 एंड 500 केल्विन, कौन T1 कौन T2, छोटे वाला T2 बड़े वाला T1, तो ये कौन T1 ये कौन T2, सिंपल। एंड T एंड 900 केल्विन, अब ये नहीं पता लग रहा कि T बड़ा है या 900 बड़ा है, अब टी मुझे पता ही नहीं बड़ा कि छोटा, लेकिन एंड में कह रहा है कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ सिंक, इसका मतलब ये छोटा है तो ये क्या है, बड़ा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो बड़ा टेम्परेचर है वो पहले केस में ये T1 है और छोटा T2 है, इस केस में ये T1 है और ये क्या है, T2 है, राइट। और एफिशिएंसी दोनों केस में सेम है। तो एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट केस लेते हैं, T1 पता है T2 पता है, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं जो कि कितनी है, 0.8। दूसरे केस में बड़ा टेम्परेचर 900 है, सिंक का निकालना है T2, एफिशिएंसी ए पार्ट की यूज कर लेते हैं जो कि कितनी है, 0.8। तो एफिशिएंसी 0.8, T और T1 क्या है, 900, सॉल्व करके T की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट क्लियर है यहां तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A reversible engine operates with efficiency 50%. रिवर्सिबल इंजन, कार्नोट इंजन को रिवर्सिबल इंजन भी बोलते हैं क्योंकि उल्टा रेफ्रिजरेटर की तरह काम भी करता है. इफ ड्यूरिंग ईच साइकिल, हमने जो एफिशिएंसी निकाली है वो ईच साइकिल की होती है पर साइकिल, तो एफिशिएंसी की वन है 0.5. इट रिजेक्ट्स, इंजन कितनी हीट रिजेक्ट करता है सिंक में, Q2. तो ये क्या गिवन है, Q2. टू अ रिजर्वायर ऑफ हीट एट 30°C. अब यहां पर कंफ्यूजन होती है, हम ये सोचते हैं कि रिजर्वायर का मतलब सोर्स है, सिंक भी रिजर्वायर हो सकता है, सोर्स भी रिजर्वायर हो सकता है, क्योंकि रिजर्वायर जिसके पास ज्यादा हीट है, ज्यादा टेम्परेचर है, वो सोर्स है, और रिजर्वायर जिसके पास कम टेम्परेचर है वो सिंक है. तो रिजर्वायर वर्ड पे कभी मत जाना. तो वो क्या कह रहे हैं कि इसमें रिजेक्ट कर रहा है हीट Q2, और किसमें रिजेक्ट कर रहा है 30°C में, तो ये किसका टेम्परेचर होगा, सोर्स का नहीं होगा, किसका होगा, सिंक का, क्योंकि हीट किसमें फेंकी जाती है, सिंक में. तो ये T2 है, T2 है, Q2 है. What is temperature of reservoir? अब क्या source? अब देखो reservoir में confuse कर रहा है ना, आप सोचोगे given तो है, तो ये क्यों पूछ रहा है? तो ये sink given है, क्योंकि जिसमें heat फेंकी जा रही है वो sink है. तो obviously अगर वो एक और temperature पूछ रहा है reservoir का, तो वो क्या होगा? Source. तो source का temperature निकालना है. Clear है? तो Q2 पता है, T2 पता है, efficiency पता है. तो एफिशिएंसी 1 माइनस T2 बाई T1, एफिशिएंसी पता है, T1 पता है, सॉल्व करके T2 पता है, T1 आ जाएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? फर्स्ट पार्ट क्लियर है. दूसरा पार्ट, हाउ मच वर्क डज इट कैरी पर साइकिल. ऑब्वियसली वर्क डन निकालना है. वर्क डन होता है क्या है, Q1 माइनस Q2. एक साइकिल का वर्क डन Q1 माइनस Q2. क्वेश्चन में क्या गिवन है, Q2. अब एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला लगाओ, किसमें, क्यू में जो चलता है. क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी पता है, Q2 पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, Q1. बस उसके बाद वर्क डन निकाल देना, Q1 माइनस Q2 आंसर. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ये बहुत आता है नीट और मेंस में ये वाला क्वेश्चन. A reversible engine, Carnot engine is a reversible engine है. Converts 1/6 of heat input. Heat input क्या होती है? Q1. इसका क्या करना है? 1/6. तो किस में convert हो जाता है? Work में. तो work क्या है? 1/6 of input. तो यहाँ से cross multiply करके W by Q1 क्या आएगा? 1/6. और W by Q1 होती क्या है engine की? Efficiency. The output work done by input heat is efficiency. तो लिखवाया था मैंने formula. तो इनडायरेक्टली वो आपको क्या दे रहा है, इसकी एफिशिएंसी. अब वो क्या कह रहा है कि ये एफिशिएंसी दे रहा है. व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62. तो सिंक का टेम्परेचर पहले केस में T2 था, दूसरे केस में T2 माइनस 62 हो गया, तो कहता है एफिशिएंसी डबल हो गई. तो टेम्परेचर ऑफ सिंक निकाल, सोर्स एंड सिंक निकालो, T2 T1 निकालो. चलो एक एक करके करते हैं. पहले फर्स्ट केस, एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस T2 बाय T1. एफिशिएंसी 1/6 है, सॉल्व करके T2 T1 में रिलेशन आ गया. क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर. केस नंबर 2, अगर सिंक का टेम्परेचर पहले T2 था, अब रिड्यूस बाय 62 है. अब रिड्यूस में क्या होता है, चाहे डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो, फर्क तो कोई फर्क नहीं इसमें. तो रिड्यूस बाय 62, तो नया सिंक का टेम्परेचर इतना आ गया, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, डबल. पहले कितनी थी, 1/6, डबल कितनी होगी, 1/3. तो
तो नया फॉर्मूला लगाया एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी के नए फॉर्मूले में यहाँ पर टी टू डैश कर लेना, तो नई एफिशिएंसी इज 1 माइनस टी टू डैश बाय सोर्स का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं टी वन। तो अब नया टेम्परेचर सिंक का कितना है, टी टू माइनस 62, और एफिशिएंसी कितनी है 1/3। सॉल्व करके ये इक्वेशन और वो इक्वेशन को सॉल्व करके टी टू टी वन कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक? सारी गेम ही एक चीज़ पर डिपेंड करती है, बस ये पता होना चाहिए कौन टी टू कौन टी वन और कौन क्यू वन कौन क्यू टू, और फॉर्मूले पता होने चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? Carnot engine takes in 1000 kilocalorie of heat from reservoir at 627. Heat ले रहा है इंजन, तो वो क्या हुआ Q1, कहां से ले रहा है, एक रिजर्वायर जो कि क्या होगा सोर्स, तो ये T1 यानी कि सोर्स का टेम्परेचर, एंड एग्जॉस्ट हीट टू सिंक, तो सिंक का टेम्परेचर 27। T1 पता है, T2 पता है, Q1 पता है, क्या निकालना है, वॉट इज एफिशियंसी एंड आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है, वर्क डन। आउटपुट मीन्स इंजन क्या करता है, वर्क डन। तो एफिशियंसी तो निकल जाएगी 1 माइनस टी टू बाई टी वन, टी टू टी वन पता है, एफिशियंसी आ गई। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की वैल्यू में ऐसा करते हैं, एफिशियंसी का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एफिशियंसी इज वर्क डन अपॉन क्यू वन, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफिशियंसी इंटू क्यू वन। एफिशियंसी हम निकाल चुके हैं, क्यू वन हमें पता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, आउटपुट वर्क डन आ गया। ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक? अब अगला पार्ट ये है कि क्या इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है, हो सकती है, कब, जब सिंक का टेम्परेचर T2 क्या होगा जीरो, तो एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। सिंक का टेम्परेचर जीरो केल्विन, जीरो केल्विन मेंटेन कर लोगे इंजन के अंदर, मतलब लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर गाड़ी चलेगी, और जहां हीट फेंकी जा रही है वो जीरो केल्विन, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, इस केस में एफिशिएंसी 100% कभी भी नहीं होगी। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर ए वर्क्स बिटवीन दो टेम्परेचर है, छोटे वाला टी टू, बड़े वाला टी वन, तो टी टू टी वन लिख लोगे, फिर बी छोटे वाला टी टू, बड़े वाला टी वन, बोथ रिमूविंग, काम दोनों सेम कर रहे हैं, 2000 चूल को बाहर निकाल रहे हैं फ्रीजर में से, तो कौन सा बढ़िया रेफ्रिजरेटर है, तो क्या निकलेगा कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, दोनों में लगाओ, जिसका बीटा बड़ा होगा वो बढ़िया रेफ्रिजरेटर है, तो किसका बीटा बड़ा है, ए का आंसर।
समझ में आ रहा है कैसे कंपेयर करना है? नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर हुज बीटा इज 5 एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम कूलिंग कंपार्टमेंट एट अ रेट ऑफ 250 जूल पर साइकिल। तो क्या कह रहे हैं, कूलिंग कंपार्टमेंट है रेफ्रिजरेटर का। कूलिंग कंपार्टमेंट कौन सा होता है, सोर्स होता है कि सिंक होता है? सिंक होता है। पानी कहां पे रखा जाता है, सिंक में, वो कूलिंग कंपार्टमेंट है। वहां से हीट कितनी उठाई जाती है, Q2, और बाहर कितनी फेंकी जाती है, Q1। तो कह रहे हैं कि कूलिंग कंपार्टमेंट से हीट उठा रहे, तो क्या है ये Q1 नहीं है, ये क्या है, Q2। हाउ मच हीट पर साइकिल इज डिस्चार्ज टू द रूम, रूम का मतलब सोर्स है, तो कितनी हीट फेंकी जा रही है, तो क्या निकालना है, Q1। Q2 गिवन है, बीटा गिवन है, Q1 निकालना है, लगाओ फॉर्मूला, आंसर। तो क्या आ गया, Q1 आ गया, ठीक। हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंड पर साइकिल, हमने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, Q1 माइनस Q2, आंसर सही है, ठीक। रेफ्रिजरेटर है, किस पे काम कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे एंड रूम टेम्परेचर 27 पे। मेल्टिंग पॉइंट T2 हो गया, छोटा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर T1 हो गया, T2 T1 गिवन है। कैलकुलेट एनर्जी इन जूल दैट मस्ट बी सप्लाइड टू फ्रीज 1 kg ऑफ वाटर एट 0। अब पानी को फ्रीज करना है, 1 किलो पानी को, पानी को रखोगे कहां, सोर्स में कि सिंक में,
सिंक में भाई, सिंक में पानी, फ्रीजर सिंक में काम करेगा। पानी में से कितनी हीट निकालोगे फ्रीज करने के लिए? Q2, Q2। पानी जमाने के लिए कितनी हीट चाहिए? Q is equal to ML। तो यहां पर Q2 क्या होगा? ML। ये स्टेप समझ में आया? क्योंकि पानी कहां रखा जाएगा? सिंक में। सिंक में से हीट जो निकलती है वो Q2। पानी को बर्फ बनाना है तो Q2 क्या होना चाहिए? ML। तो आपको इस क्वेश्चन में T1 पता है, T2 पता है, Q2 पता है। अब Q2 कैलोरी में पता है, जूल में कन्वर्ट कर लेना 4.2 से। आपको इसमें क्या निकालना है? आपको निकालना है कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, जो कि क्या होगा? Q1 माइनस Q2। Q2 तो पता है, सिर्फ Q1 निकालना है। एफिशिएंसी के दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट करना, यहां से Q2 निकाल लेना, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, फिर Q1 माइनस Q2 से आंसर आ जाएगा। मेन काम इसमें यही था कि Q2 की कैलकुलेशन कैसे होगी। Q2 इज इक्वल टू ML। ये मेंस में बहुत बार, दो बार आ रखा है क्वेश्चन ये वाला, सेम नीट में भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है।
कार्नोट इंजन ए और बी दो इंजन हैं, दो इंजन सीरीज में है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक इंजन 800 केल्विन से हीट उठाता है और टी टेम्परेचर के सिंक पे जाके फेंक देता है, दूसरा इंजन सिंक से हीट उठाता है और एक नए सिंक 300 केल्विन में फेंक देता है। तो इस इंजन के लिए ये सोर्स है और ये सिंक है, इस इंजन के लिए ये सोर्स है, ये सिंक है, ठीक। इसने हीट कितनी उठाई, Q1, फेंकी कितनी, Q2, इसने कितनी उठाई, सेम Q2, और कितनी फेंकी, Q2 dash, राइट। अब क्वेश्चन है, आपको इसमें टी निकालना है, दो बार निकालना है, पहली बार आउटपुट ऑफ टू इंजन आर सेम, यानी कि वर्कडन दोनों में सेम, और दूसरा एफिशिएंसी ऑफ टू इंजन सेम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस क्वेश्चन में वो सुन लें, एफिशिएंसी का फॉर्मूले दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट कर लें, इक्वेट कर लिया तो Q1 by Q2 is T1 by T2 लिख लिया, ये देखो Q1 by Q2 is equal to T1 by T2, सीधा रिजल्ट बोलो, Q1 by Q2 is 800 by T, Q1 by Q2 is 800 by T, इसके लिए बोलो Q2 by Q2 dash is T upon 300, बना लोगे रेशो ये, ठीक। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में आउटपुट सेम है, वर्क डन सेम है, तो पहले केस में वर्क डन क्या होगा, Q1 माइनस Q2, दूसरे में क्या होगा, Q2 माइनस Q2 डैश, लिख लिया, इसको Q2 से डिवाइड कर लो दोनों साइड्स को, तो ये क्या बनेगा Q1 बाय Q2, ये क्या बनेगा Q2 बाय Q2 1 है, Q2 डैश बाय Q2। अब आपने ये रेशियो तो निकाल ही ली जैसे मैंने अभी शॉर्टकट में बोल के दिखाया, तो यहां से रेशियो को पुट कर दो ना, ये रेशियो को पुट करते हैं, देखो तो ये मैंने पुट किया Q1 by Q2 की जगह 800 by T, और इसकी जगह क्या पुट किया, Q2 dash by Q2 है, तो ये उल्टी रेशियो है, तो यहाँ पर क्या आएगा 300 by T, जो कि बुकलेट में थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखो 300 by T, यहाँ पर लिखो 300 by T, सॉल्व करके T कैन बी कैलकुलेटेड, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब सेकेंड पार्ट है, एफिशिएंसी सेम है, अब आप दोनों की एफिशिएंसी लिख लो, दोनों की एफिशिएंसी को इक्वेट कर लो, ये तो बिल्कुल सही है, Q2 by Q1 की रेशियो भी है, Q2 dash by Q2 की रेशियो भी है, सॉल्व करके T आ गया। तो मेथड समझ में आ रहा है, पहले रेशियोज निकालनी है, फिर जो बोला वैसे कर देना है। रेफ्रिजरेटर इज ड्रिवन बाय 1000 watt इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर लगी हुई है इस फ्रिज में 1000 watt की, Having efficiency 60%, ऐसी मोटर का क्या करेंगे, लिखा हुआ है कंपनी ने 1000 watt, वैसे efficiency 60 है, तो इफेक्टिव जो काम करेगी वो सिर्फ 600 watt का करेगी, क्योंकि 60% efficiency है 600 watt, तो 600 watt की कंप्रेसर में मोटर करेगी क्या, पानी को ठंडा करेगी, फ्रिज चलाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर इन दो टेम्परेचर में काम कर रहा है, तो T1 T2 मार्क कर लोगे, बड़े वाला T1 छोटे वाला T2, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड, समय बताना है टाइम, ताकि 32.5 kg वाटर को आप फ्रीज कर सके। अब रूल वही है कि फ्रीज करने के लिए पावर 600 वाट की मोटर काम करेगी, मान लो टी टाइम के लिए काम करेगी, तो एनर्जी कितनी देगी मोटर, 600 × T, पावर इनटू टाइम इज एनर्जी। अब ये वर्क डन करेगी मोटर, लेकिन वर्क डन कैलकुलेट करने का एक और तरीका है हमारे पास, Q1 माइनस Q2 वाला, एक तो ये पावर की फॉर्म में आ गया, दूसरा तरीका पानी को अगर बर्फ बनाना है तो Q2 ml होगा, हमें पता है Q2 आ गया, एफिशिएंसी का फॉर्मूले में T1 पता है, T2 पता है, Q2 पता है, सॉल्व करके Q1 आ गया, फिर Q1 माइनस Q2 से वर्क डन आ गया। अब वर्क डन एक तो Q1 माइनस Q2 से निकाल लिया और एक पावर की फॉर्म में निकाल लिया, दोनों वर्क डन को इक्वेट करके टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। आइडिया समझ में आ रहा है, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है वर्क डन का, और एक वर्क डन कैसे निकाला पावर इनटू टाइम से, इक्वेट करके टाइम कैन बी कैलकुलेट।